रियली यार, अबे मतलब इतना बोरिंग यार, मुझे तो प्रोफेसर अनुज के लेक्चर्स बर्दाश्त ही नहीं होते। सही कह रहा यार, इतना बोरिंग होते ना कि मेरे तो बस ही बंद नहीं होती। अच्छा सुन, तू वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स लाने वाला था ना, तो तू लाया है नहीं? यार तुम दोनों भी ना, अभी अभी कॉलेज फिर से स्टार्ट हुए और तुम दोनों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। क्या है ना कि हमारे पापा के आपके पापा के जैसे फाइव स्टार होटल का बिजनेस नहीं है, तो हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओए, अगर मुझे बिजनेस ही करना होता ना तो मैं अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा होता। अच्छा, अरे यार तुम दोनों लड़ो मत, ये बताओ फ्राइडे का क्या प्लान है? फ्राइडे मूवी देखने चल रहे हैं हम लोग। वाओ, बिल्कुल, उसमें मेरी फेवरेट हीरोइन है। चल ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? पायल। पायल ऊपर से? शरीर पे जगह जगह पे चोट पे निशान है, इसके हथेलियों पे भी निशान है। सर लगता है काफी टॉर्चर किया गया है इसे मारने से पहले। लगता है ये रैगिंग का केस है। साहब मेरे बेटे ने जरूर उन लोगों की वजह से आत्महत्या की है, मैंने इनसे शिकायत भी की थी साहब। मेरे विजय के मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं जो उसे दिन रात परेशान किया करते थे, उसकी रैगिंग किया करते थे साहब। रैगिंग? देखिए आप हमारी कॉलेज पे गलत आरोप लगा रहे हो, हमारी कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है, यहाँ पर कड़ी पाबंदी है। कितनी पाबंदी है ये तो दिख ही रहा है। आपके हिसाब से विजय ने अजीब सा मेकअप और लड़कियों के कपड़े अपनी मर्जी से पहने होंगे? अगर विजय के साथ रैगिंग हो रही होती तो वो मेरे पास आता, उसे शिकायत करता, तो मैं उसी वक्त उस दोषी स्टूडेंट को इस कॉलेज से निकाल देता, उसे सस्पेंड कर देता। पिछले महीने ही हम आपके पास शिकायत लेकर आए थे और आपने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप कड़ा कदम उठाएंगे, मगर क्या हुआ, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। हमारा इकलौता एक लड़का था साहब, जो हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा था, अब हम किसके सहारे जिएंगे साहब ये पहाड़ जैसी जिंदगी। आप प्लीज शांत हो जाइए। प्रिंसिपल साहब ये सच कह रहे हैं, ये लोग आपके पास आए थे रैगिंग की शिकायत लेके? हाँ बताया तो था। तो फिर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सर जब तक पता नहीं चले दोषी स्टूडेंट कौन है, तब किसके खिलाफ एक्शन ले। कौन स्टूडेंट्स रैगिंग कर रहे थे उसका पता हम कर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कौन कौन है, कितने हैं? आप लोगों के साथ भी इससे पहले कभी रैगिंग हुई थी? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हमारे साथ कोई रैगिंग नहीं हुई है। सर बच्चे काफी घबराए हुए हैं। मैं इन स्टूडेंट्स के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई खाली क्लासरूम है यहाँ पे? हाँ सामने है, आप लोग प्लीज अंदर आइए। अच्छा आप लोगों को अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ है खुल के बताओ। हाँ सर हुई है हमारे साथ रैगिंग। क्या नाम है आपका? सर सावन। सर मेरे साथ भी रैगिंग हुई है। हाँ सर मेरे साथ भी। देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, एक एक रैगिंग करने वाले को सबक सिखाएंगे हम। कौन है वो बदमाश स्टूडेंट्स? वो कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और सर वो सिर्फ नाम के स्टूडेंट्स हैं, 30 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं वो। पूरा कॉलेज उनकी गुंडागर्दी से डरता है। उनकी गुंडागर्दी तो हम निचोड़ के निकाल लेंगे। आप लोग ये बताओ कि आपने देखा था उन सीनियर स्टूडेंट्स को विजय के साथ रैगिंग करते हुए? नहीं सर, विजय तो किसी भी तरह बच निकला इनकी रैगिंग से। अरे इसके बाल देख। देख देख चूजा आ रहा है, चूजा चूजा आ रहा है। क्या है, कहां घुस रहा है? उधर से जा, उधर से जाना।
आजा इधर से आजा। उधर जा। फिर यहां से आ गया, उधर से जा, बोला ना एक बार तुझे। जान दे भाई, आजा। जा 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 चल कल आइयो। अरे चल जा जा। अच्छा आजा आजा। क्या छोड़ना। देख देख एक और आया शिकार। अबे किधर जा रहे? रुक किधर? सुबह सुबह हाँ? कैसे हो विजय बाबू, आपने तो हमें धोखा दे दिया। धोखा? कैसे धोखा? कल रात तू आया क्यों नहीं कॉमन रूम में? बुलाया था ना तुझे? वो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, वो हम जूनियर से पूछ रहे थे कि इनको कॉलेज में कुछ तकलीफ तो नहीं है ना, बताना। हाँ सर, सही बात थी। ये मत समझना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने पहले भी तुम तीनों को चेतावनी दी थी कि जूनियर स्टूडेंट से दूर रहो, समझे ना? सर बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। जाइए सर, आपकी यहाँ से ज्यादा जरूरत बाथरूम में है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों पर कड़ी नजर है मेरी, समझे ना? जी सर, सर। जी जी सर। बड़ा आया हम पे नजर रखने वाला, कल रात को रैगिंग की, उसको पता चला। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर चीफ गेस्ट? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी होनी बाकी है, हैं? सर, सर प्लीज मुझे जाने दो सर। अरे इंटेलिजेंट बच्चा है, लेट हो रहा है, जा जा। अच्छा सुन, सर प्लीज चल जा। अबे अरे बड़ी जल्दी है तेरे को, हैं? अभी जा, लेकिन बाद में टाइम पे आ जाना, समझा? चल जा। हाँ चल निकल। हाँ सर चल। भाग भाग। विजय बस तो निकला उनकी रैगिंग से, मगर उससे फायदे की जगह उल्टा और नुकसान हो गया। और सर सीनियर्स का ईगो हर्ट हो गया, और मानो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो विजय से बदला लेकर ही रहेंगे। अच्छा विजय को लड़की के कपड़े पहना के रैगिंग इन सीनियर स्टूडेंट्स ने इन बदमाशों ने किया था? हाँ सर, जैसा हमारे साथ किया था। सर लड़कियों के कपड़े पहनाते थे सर, लिपस्टिक लगाते थे, फिल्मी गानों पे नचाते हैं सर। संभालो अपने आपको, जिस मानसिक पीड़ा से आप लोगों को गुजरना पड़ा है उसका बेहद अफसोस है हमें, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। ये बताओ कि ये सीनियर स्टूडेंट्स इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? अभी तो क्लास का टाइम है ना सर, वो अटेंड तो करते नहीं, दिन भर बस हॉस्टल में आवारा गर्दी करते रहते। कॉलेज हॉस्टल? ए मनोज इधर आ बेटा, कल तेरे को एक काम दिया था करने के लिए, किया? सर कल सारा दिन मैं क्लास में था, इसलिए आपका काम करने नहीं सका। देख पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, क्लास छोड़ और जो काम मैंने बोला वो करके आ, जल्दी ना चल। ओए सोनू। जी सर। बेटा कल रात को मैंने तेरे को शर्ट इस्त्री करने के लिए दी थी ना मेरी? जी सर, वो कल रात को लाइट चली गई थी ना, इसलिए कर नहीं पाया सर। लाइट तो रात को गई थी ना, सुबह कर सकता था। अगले 10 मिनट में मुझे मेरी शर्ट मेरे हाथ में चाहिए, समझा? चल निकल। जी सर। नींद से आ रही है यार। ए, क्या नाम था तेरा? पप्पू। इधर चल, एक चाय ले गया मेरे लिए, स्पेशल मलाई मार गया। चल सर, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास क्लास होती रहेगी, जा एक चाय ले गया और साथ में पकौड़े भी। हाँ आज बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाने का मजा आ जाएगा, चल जल्दी। मजा तो अब आएगा, सीआईडी के हाथ के चाय पकौड़े खाए थे। सीआईडी? हाँ सीआईडी, हमारे हाथ के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि नानी याद आ जाती है। सर वो सर देखिए, पकौड़े तो खाने पड़ेंगे तुझे, चला। सर एक सेकंड, मेरी बात सुनिए सर। सर आपको कुछ गलत है सर। सर सर एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए सर। सर बहुत शौक है तुझे रैगिंग करने का,
सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब पता चल जाएगा। रेडी जयवंती, बाकियों को भी अंदर लेके आओ और सबको यहाँ पे लाइन में खड़ा करता हूँ। यस सर। चल चलो आइए। सर घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। बताओ कौन है वो सीनियर स्टूडेंट जिसने तुम्हारे साथ रैगिंग की थी? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, पहचानो से, हम लोग हैं यहाँ पे। सर आप तो कुछ ही देर के लिए आए हैं, बाद में तो हमें ही रहना ना इनके साथ कॉलेज में। नहीं रहना पड़ेगा, जो जो रैगिंग का दोषी है वो कानून की नजरों में भी अपराधी है। उस दोषी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घबराओ नहीं और पहचानो से। झूठ बोल रहे सर, मैंने इसकी रैगिंग नहीं की सर, ये झूठ बोल रहे हैं। जब तक बोला ना जाए बीच में नहीं बोलना, समझे? वरना ऐसे रैगिंग करूंगा कि बहुत तकलीफ होगी तुझे। सर मेरा यकीन मानिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे लीडर ने मुझसे करने के लिए कहा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हो या लीडर पास ही करने के लिए? कौन है तुम्हारा लीडर? तुम हाँ? तुम हो लीडर? सुनाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। नहीं जयवंती, मुझे जवाब मिल गया। इन दोनों के अलावा बाकी सबको इस कमरे से बाहर ले जाओ। चलो। जी सर, बाहर आइए आप, बाहर चलिए। सब बाहर क्यों जा रहे हैं? हम भी जाएंगे। नहीं, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। अभी तो तुम दोनों से जरूरी विषय पे चर्चा करनी है। अंदर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी आ रही है? अंदर धुलाई चल रही है। धुलाई? अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं ना तो उन्हें साफ करने के लिए एक खास तरह की धुलाई की जरूरत पड़ती है। उन्हें निचोड़ना और पटकना पड़ता है। वैसे आपको, मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ। बड़ा ही दुख हुआ आपसे मिलकर। यहाँ जूनियर्स की रैगिंग चल रही है और आप बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। मेरे रहते हॉस्टल में रैगिंग चल रही है? ये लो, पूरी फिल्म खत्म हो गई और ये पूछ रहे कि फिल्म का विलन कौन है? चल। विनोद, रोनित, कितना समझाया था ना तुम दोनों को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, अब देख लिया ना अंजाम। आप कौन? सर ये कहने को तो इस हॉस्टल के वार्डन है, पर इस हॉस्टल में चल क्या रहा है इस बारे में इन्हें कुछ अता पता नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन दोनों को चेतावनी दी थी और इस विशाल को भी। ये भी मिला होगा इन दोनों के साथ। क्यों विशाल, तुम्हें भी खातिरदारी की जरूरत है? चलो अंदर। सर, नहीं सर, नहीं सर, प्लीज। ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सच सच बता दो। कल रात क्या हुआ था विजय के साथ? बताता हूँ सर। आइए सर, आइए आइए सर। सर सर यही वो जगह है जहाँ हमने विजय को रोका था। ये तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फ्लोर है ना? जी मैम। इसीलिए तुम सब यहाँ पे पड़े रहते हो दिन भर, ताकि जब जी चाहे जिसे जी चाहे परेशान कर सको। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। विजय के साथ दिन भर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया वो तो हमें पता चल गया है। अब उसके बाद रात को क्या किया उसके साथ ये बताओ। कैसे रैगिंग की? सर हमने किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं की। झूठ बोल रहे हो? सच कह रहे हैं हम। हाँ कल रात को गए थे हम लोग उसके कमरे में, मगर वो वहां मिला ही नहीं। तो फिर कहाँ चला गया था वो? पता नहीं सर, जब उसके कमरे में उसे बुलाने गए वहां नहीं था, वहां एक लड़की थी। आज इस विजय की ना अच्छी वाली रैगिंग करेंगे। और नहीं तो सही बात है, हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता है। इस बार उसकी नानी याद आ जाएगी। अबे विजय के रूम से कोई लड़की बाहर निकली, ये है कौन? पता नहीं यार, यार ये अपने कॉलेज की तो नहीं लग रही है। और ये विजय के कमरे को ताला क्यों लगा रही है? अबे साथ में बैग भी है। कहीं विजय अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? देख देख। चल 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 उसको पीछा करते हैं। चल
क्या हो रहा है यहाँ पर? बस इतनी रात गए, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो अभी डिनर किया था ना, तो ऐसी टहल टहल ले अपने कमरे में जाओ। यस सर, यस सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम सर, स्वीट ड्रीम। बात की वो लड़की? पता नहीं सर, कभी देखा नहीं उसे यहाँ। मतलब वो लड़की इस कॉलेज की नहीं है? नहीं सर। तो फिर उस लड़की के पास विजय के कमरे की चाबी कहाँ से आई? और वो आ कैसे सकती है बॉयज हॉस्टल में? मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा वार्डन साहब। सर ये हो क्या रहा है यहाँ आपके अंडर? इस हॉस्टल में कोई नियम कोई कानून है या नहीं? सर मैं खुद हैरान हूँ कि बॉयज हॉस्टल में एक लड़की कैसे आ सकती है। सर मेरे 20 साल के करियर में मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। ना आपको रैगिंग के बारे में पता है और ना इसके बारे में, आखिर पता क्या है आपको? मैडम ये जरूर उस वॉचमैन मोहन का काम होगा। लड़की ने उसे पैसे दिए होंगे और वो शराब के नशे में धुत उस लड़की को एंट्री दे दी होगी। अच्छा बुलाओ इस पियक्कड़ वॉचमैन को। जी सर। सर तुम्हारे रहते कोई लड़की यहाँ बॉयज हॉस्टल के अंदर कैसे घुस गई? मुझे कुछ नहीं पता सर, ने किसी को अंदर आने नहीं दिया सर। तुम्हें कुछ नहीं पता? सर सर उसकी गलती नहीं है सर, सर हॉस्टल में आने जाने के और भी रास्ते हैं गेट के अलावा। और भी कई रास्ते? कैसे रास्ते? सर खुफिया रास्ते जो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को पता है। चलो देखा कहाँ ये खुफिया रास्ता। जी चलो आइए सर। सर यही वो रास्ता सर। सर हम यहाँ से एंटर होके पीछे के रास्ते से होके फिर हॉस्टल के अंदर जाते हैं सर। हे भगवान कब से चल रहा है ये सब और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वार्डन जी मुझे तो हैरानी तब होती जब आपको इस बात की भनक लग जाती। तो माना कि इस वार्डन को पता नहीं चला, पर ये वॉचमैन ये क्या कर रहा था? शराब के नशे में इतना धुत रहते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन हॉस्टल के अंदर आता है जाता है इस रास्ते से? नहीं सर मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, बेनवाजे ही लोगों ने मुझे बदनाम करके रखा है। सर अब 10 बजे के बाद मना ही कर देंगे तो हॉस्टल में आने जाने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना सर। हर हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं कायदे होते हैं, अब बच्चों का काम है यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना। जिप किसी बैग का लगता है, इसे पहचानते हैं ये जिप? हाँ सर हो सकता है जिप उस लड़की के बैग का हो। हाँ। जो विजय के रूम से निकली थी उस दिन। सर लगता है बैग में सामान काफी ज्यादा भरा हुआ था जिसकी वजह से ये जिप निकल गया। सामने होटल है वहाँ चल के पूछते हैं शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ये मैंग का रेस्टोरेंट है सर, इस कॉलेज के और आसपास के सारे कॉलेज के बच्चे खाने पीने यहीं जाते हैं। तो और भी अच्छा हुआ, शायद वहाँ इस लड़की को कोई जानता हो। अरे नागप्पा भाई जल्दी से ऑर्डर ले। हाँ सर। अरे सिद्धेश अरे सामने का टेबल साफ करो यार। अंकल कितना बिल हुआ? 353 रुपए। थोड़ी तड़की है अंकल, खाते में लिख लो ना। अरे 1,500 रुपए हो चुका है तेरा, याद है कि नहीं? बस 2,000 होते ही अंकल पूरा बिल चुका दूंगा। यार तू मेरा ना रेस्टोरेंट बंद करवाएगा, उसके बाद तुझे कौन खिलाएगा है? क्या अंकल? अच्छा ठीक है जा। अरे वाह सर लगता है आज दम बिरयानी पकने वाली है। बोर्ड को देख के ही मुंह में पानी आ गया। पानी संभाल के रखो फ्रेडी, हम लोग ड्यूटी पे। आइए आइए सर आइए 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 बैठिए ना सर। नहीं हम बैठे नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मेरा वेटर लोगों ने कुछ गड़बड़ किया? ए नगप्पा अरे तुमने लोचा क्या कुछ किया? अरे नहीं नहीं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सामने जो कॉलेज है वहाँ विजय नाम के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया। सुना सर, सुन के बहुत दुख हुआ सर। उसी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आए। पूछिए ना सर, मुझे जो पता है मैं सच सच बताएगा आपको सर। अच्छा बाकी के बच्चे यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं तो उनके साथ ये विजय भी आता होगा, तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर विजय बहुत ही सीधा साधा लड़का था सर, छोटे से शहर से आया था सर,
इंजीनियर बनने का सपना लिए, पर सर ये शहर उसे रास नहीं आया सर। हमेशा कहता था अंकल मुझे घर वापस जाना है, वापस जाना है। ऐसा क्यों कहता था वो आपको? उसने कभी अपनी परेशानी की वजह बताई क्या? नहीं मैम, सच कहूँ तो मैं कभी पूछ ही नहीं पाया। अब ये रेस्टोरेंट में इतना गर्दी होता है कि कभी पूछने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब लगता है अगर मैंने पूछा होता ना तो शायद वो आत्महत्या नहीं करता। अपने आप को दोष मत दीजिए। आप ये बताइए कि आप अपना ये रेस्टोरेंट रात को कितने बजे बंद करते हैं? सर लास्ट ऑर्डर तो 12 बजे का होता है, लेकिन 12:30 बज जाता है बंद करते करते। तो कल रात आपने उस हॉस्टल के दीवार से किसी लड़की को कूदते हुए देखा था? हाँ सर, एक लड़की बड़ा सा बैग लेके कूदी थी। आप उस लड़की को पहचानते हैं? हाँ सर, हम अपनी शीतल सर यहाँ पास के PMG कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ आती है कई बार। अच्छा, ये शीतल दीवार से कूदने के बाद किस तरफ गई वो? कहीं नहीं गई सर, जैसे वो दीवार से कूदी वहाँ पे उसको रूम ही मिल गया। अब से उसे देख के वो हैरान हो गई और थोड़ी देर में उनमें बहस चालू हो गई। अब सर इतने में विजय वहाँ से आया और उनमें झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। तो इन तीनों के बीच बहसबाजी हुई और ये रूमी भी शीतल के कॉलेज में ही पढ़ता है? जी सर, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यही चौराहे पे ही है, पास में। ठीक है, थैंक यू। सर सर एक बात कहना चाहता हूँ सर, सर अगर वो कातिल मिल जाए ना सर तो प्लीज सर उन्हें छोड़िएगा बात। ठीक है। हमने हमारा बेटा खोया है, क्या इतना कम काफी नहीं है जो आप आज हमारे बेटे की काट छाट करना चाहते हैं? पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है, शायद कुछ और बातें सामने आ जाए। और कोई बातें नहीं जानना चाहते हम, बस भगवान के लिए उसकी लाश वापस कर दीजिए ताकि क्रियाकर्म का फल निभा सके हम। दीनानाथ जी, जिंदगी में कभी कभी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें सहनी पड़ती है। मेरा बेटा स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था हमारा बेटा, क्या क्या नहीं सोचा था उसके उज्जवल भविष्य के बारे में। आप ही बताइए एसीपी साहब, जिस पौधे को हमने अपने हाथों से सींचा हो, उसके हर एक जरूरत का ख्याल किया हो, और एक दिन कोई आकर उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है, और आप कह रहे हैं कि हमें अपने दिल पर पत्थर रखना चाहिए। मैं चाहकर भी आपको आपका बेटा लौटा नहीं सकता, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा कि जो भी आपके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं, एक एक को सजा दिलाकर ही रहेंगे हम। सर ये रैगिंग तो वाकई एक बहुत बड़ी न्यूसेंस बन गई है आजकल के कॉलेजेस में। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तारिका। देखो ना, कई स्टूडेंट्स बेचारे ये सोच करके कॉलेज में दाखिला लेते हैं कि अपने माँ बाप को कुछ बन करके दिखाएंगे, अपने सपनों को साकार करेंगे, लेकिन कुछ इनसेंसिटिव स्टूडेंट्स की वजह से सब की अधरा रह जाता है बेचारों का। सर हमारे देश में तो बैन है रैगिंग, पाबंदी लगाई है, फिर भी बेधड़क रैगिंग होती है कई कॉलेजेस में। मैं तो कहता हूँ तारिका, ऐसे लोगों को जिनके साथ रैगिंग हो रही है सामने आना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, तभी तो कुछ किया जा सकता है ऐसे लोगों के खिलाफ। सही में सर। आपकी रैगिंग हुई थी कभी? मेरी नहीं, कोशिश की थी कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने। हाँ। लेकिन मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, उल्टा उन्हें ही सबक सिखा दिया मैंने। हाँ। हाँ। और क्या। अब उसे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कुछ हुआ ऐसा रैगिंग वगैरह? हुआ था ना। अच्छा अच्छा। मुझे कहा गया था कि एक लड़का जो सीनियर था उसको प्रपोज करने के लिए कहा गया। ओ, फिर मैंने जब मना किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हॉस्टल में रहना मुश्किल कर देंगे। तो तुमने क्या किया? मैं अपने पेरेंट्स को लेके आ गई नेक्स्ट डे और उन लोगों को एक हफ्ते तक सस्पेंड कर दिया प्रिंसिपल ने। That's it. मैं तो कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही कुछ करना चाहिए, रिपोर्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, तभी तो कुछ कर सकेंगे ना हम लोग इनके खिलाफ। Exactly. देखो ये, देखो ये इसकी रुदन की हड्डी, देखो यहाँ से कुछ टूटी हुई है। इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। कौन सा शक सही निकला जरा हमें भी बताओ। ये लो, हाथों में मेहंदी लगी नहीं, लड्डू खाने के लिए आ गए। ए सालों के, तू सीधी बात कर नहीं सकता?
जब देखो टेढ़ी बातें करता है। मैं टेढ़ी बात कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं सर, अब क्या नहीं, नहीं? अरे सर, सर के कहने का ये मतलब नहीं था। अब सर तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि आपके हाथ कोई सुराग उराग लगा क्या? अरे सुराग नहीं भाई, सुराग का पूरा डब्बा हाथ लगा है। तो फिर डब्बा खोल के दिखा ना। हाँ खोलता हूँ, डब्बा खोलता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब। आप मानते हो कि विजय ने अपने आप को फांसी पर लटकाया आत्महत्या के? हाँ बिल्कुल हाँ। अच्छा एक सवाल का जवाब और, विजय फांसी लगाने के लिए कॉलेज तक गए? बिल्कुल हाँ। तो कहना क्या चाहता है? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये विजय अपने आप को फांसी लगाने के लिए कॉलेज तक गया तो गया कैसे? यार अपने पैरों पे और कैसे? यही पॉइंट है बॉस, ये विजय कॉलेज तक अपने पैरों पर चलकर जा ही नहीं सकता है। क्यों, क्या मतलब? मैं बताता हूं मतलब। ये देखिए, ये विजय के पैर की हड्डी देख लो, एकदम टूटी हुई है। और अब देखिए ये विजय के हाथों की, ये कलाई की हड्डी, दोनों कलाइयां टूटी हुई है एकदम। अब मुझे बताओ बॉस, जिस आदमी की दोनों कलाइयां बुरी तरह से टूट गई हैं, पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है, वो आदमी अपने आप को फांसी पर कैसे लटकाएगा? ये तो फर्श पर एक कदम नहीं रख सकता है। मतलब किसी ने विजय की मदद की उसे फांसी पे चढ़ने में? मदद नहीं की, किसी दूसरे ने ही इसे फांसी पर लटकाया। इसकी ये गर्दन की टूटी हुई हड्डी भी यही बात साबित करती है। ओ, इसका मतलब विजय की आत्महत्या आत्महत्या नहीं है बल्कि खून है। खूनी ने इस खून को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। किसने किसने कौन हो सकता है? प्लीज शीतल, अब रोना बंद करो ना यार, मैं इतनी बार तो माफी मांग चुका हूँ तुमसे। तुम्हारी माफी मांगने से विजय वापस नहीं आ जाएगा, याद है ना तुमने मुझे कितना सुनाया था उस दिन? शीतल, रोमी। ये सर? जी सर, कहिए। अबे तुम दोनों से कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल सर? विजय के बारे में। मगर हमसे क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने ही उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। और तुम लोग घबरा क्यों रहे हो? नहीं हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, बस विजय की मौत के बाद हम लोग बहुत दुखी हैं। काफी गहरी दोस्ती थी ना विजय से, इसीलिए रात को 9 बजे बॉयज हॉस्टल में उससे मिलने गई थी। मैं उससे मिलने नहीं गई थी। तो फिर? सर बात यह है कि वो अपने सीनियर से बहुत डरता था, इतना डरता था कि वो पढ़ाई छोड़ के अपने घर वापस चले जाना चाहता था। उस दिन हॉस्टल में उसने मुझे उसका सामान लेने भेजा था, उसकी तो हॉस्टल जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ सर, हॉस्टल की दीवार के बाहर वो शीतल का इंतजार कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि शीतल सिर्फ उसकी मदद कर रही है। रोमी तुम, थैंक गॉड मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा किसी और ने मुझे यहाँ देख ना लिया हो। क्यों, मैंने तो देख लिया ना, इसकी कोई शर्म नहीं है क्या तुम्हें? मतलब कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? वो मैं विजय के हॉस्टल गई थी उसका बैग लेने। बॉयज हॉस्टल में? और तुम क्यों गई थी उसका बैग लेने? उसके हाथों पे मेहंदी लगी है क्या? रोमी रिलैक्स, बात ये है कि विजय बहुत डरा हुआ है, उसके सीनियर्स उसे बहुत तंग करते हैं, उससे बुरी तरह रैगिंग कराते हैं, बेचारे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी वो अपना बैग लेके आ सके। इससे बेकार बहाना मैंने आज तक नहीं सुना, मुझे सच सच बताओ तुम चोरी छुपे विजय से मिलने गई थी ना? आर यू मैड, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, इतना भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर, इतना भी बयान नहीं करते क्या मुझसे? नहीं संजना मुझसे मिलने नहीं आई थी, मैं तो पिछले 12 घंटे से बाहर घूम रहा हूँ। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे इतनी रात को कॉलेज हॉस्टल में भेजने की? क्या करता मैं, यही तो एक दोस्त है मेरी, और किसे बताता मैं? अरे मुझे बोल देता यार, मैं तेरा बैग ले आता। मिस्टर डरपोक, शर्म आनी चाहिए तुझे अपने आप पे। रोमी यहाँ सड़क पे खड़े होकर तमाशा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है समझे तुम? और विजय ये लो तुम्हारा बैग, कल सुबह तुम्हारी बस है ना, रात को कहाँ रुकोगे तुम? बाजू में एक कॉटेज है, मैं वहाँ पे रुक जाऊंगा। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। विजय अपना ध्यान रखना। हाँ थैंक यू। उस दिन हम दोनों को साथ में देखकर रोमी को गलत फहमी हो गई थी कि शायद मैं इसे प्यार में धोखा दे रही हूँ। वाकई बहुत भला बुरा कह दिया था मैंने विजय को, सिर्फ
भला बुरा कहा था या गुस्से में खून कर दिया उसका? नहीं सर, रोमी विजय का खून नहीं कर सकता है। हम दोनों सच्ची में उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों उसकी मदद करना चाहते थे। तो फिर तुम दोनों से मिलने के बाद वो वहाँ हॉस्टल कैसे पहुँचा? सर यही पहेली तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही है। वो तो यही पास के कॉटेज में रात गुजारने के बाद सुबह की बस से घर वापस जाने वाला था। पास के कॉटेज में रात काटने वाला था? कहाँ है ये कॉटेज? अरे बाप रे बाप, ना जाने कब से साफ सफाई नहीं हुई इस जगह की। मेरी नाक पे तो हमला कर दिया यहाँ की धूल मिट्टी ने। इतने लोग आते हैं इस कमरे में फिर भी इस कमरे की देखरेख नहीं होती, इसका तो एक ही मतलब है। कुछ समझी हो क्या जयवंती? सर यही कि कोई ये दिखाना चाहता है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं। बहुत स्मार्ट होती जा रही हो, कीप इट अप। थैंक यू सर। इतने सारे पैरों के निशान है, ये टेबल ऐसे उलट पुलट किया गया है, मतलब यहाँ पे आतापाई हुई है। सर ये तो विजय का आईडी कार्ड है सर। विजय? मतलब विजय को मारने से पहले मारा पिटा गया था। बड़ी तो देखो क्या है। सर लड़के के कपड़े विजय के ही होंगे, शायद उसे यहीं लाके रैगिंग किया गया है और शायद यहीं पे उसे वो लड़की के कपड़े पहनाए गए थे। जरा आसपास देखो कुछ और मिलता है क्या। सर कोरा कागज। कोरा कागज? ये कोरा कागज नहीं है फेड़ी, इस कागज पे सीआई के बजाय ड्रग्स की लिखावट है। ओ, मतलब विजय ड्रग लेता था? विजय नहीं, वो लोग जो उसकी रैगिंग कर रहे थे। लेकिन सर विजय को तो हॉस्टल में मारा गया था, वो स्टूडेंट्स उसे यहाँ से हॉस्टल कैसे लेके गए होंगे? अरे उसी दीवार वाले रास्ते से। दीवार वाले रास्ते से बैग तक तो ठीक है ले जाने के लिए, किसी लंबे चौड़े लड़के को ले जाना जरा मुश्किल है। उसे मेन गेट से ही ले जाया गया है। लेकिन सर वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा उन्हें? अब ये तो वॉचमैन ही बताएगा कि उसने कुछ देखा नहीं या देखना नहीं चाहता था। चलो सर, मैंने जिंदगी में कोई झूठ नहीं कहा, आज भी नहीं कर रहा, वाकई मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, समझे? सर अब अगर आपके सवालों का जवाब ही नहीं मेरे पास तो मनगढ़ंत कहानियां थोड़ी ना सुना सकता हूँ। अभिजीत वाकई में लता ये सही बोल रहा है, अरे अगर उसे पता ही नहीं क्या है तो क्या बता सकता है वो। क्या करें, छोड़ दें इसको? नहीं छोड़ना नहीं, मेरा मतलब है एक काम करते हैं, फॉर्मूला 195 इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला 195 इसके साथ? हाँ क्यों? सर मुझे नहीं लगता ये बर्दाश्त कर पाएगा 195 से। पता नहीं बोले जा रहे तो क्या करें? ठीक है, देखो भाई मैंने कोशिश की थी लेकिन सर नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सचिन जयवंती करो तैयारी 195 की। ओके सर। ये फॉर्मूला नंबर 195 में क्या लगा रखा है आप लोगों ने, आखिर है क्या ये? अभी पता चल जाएगा बस थोड़ी देर में। देखो यार मैं इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा टाइम बहुत खराब हो गया है, ये 195 नंबर का जो फॉर्मूला हमने लोगों को दिया है ना, उनकी हालत देखोगे तो आत्मा काम जाएगी, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता यार। चलो फॉर्मूला भी तैयार हो गया, पकड़ो इसे। गरीब आदमी गलती हो गया सब, माफ कर दीजिए सब। बताएगा? हाँ सब बताऊंगा सर। चला जा। बताता हूँ पहले फॉर्मूला नंबर 195 मंजन थोड़ा दूर कीजिए साहब। उस रात कुछ लड़के आए थे हॉस्टल में एक लड़की को लेकर,
मैंने उन्हें रोका तो उन लोगों ने कहा ये लड़की नहीं, लड़के के भेस में लड़का है। लड़की के भेस में लड़का? क्या वो विजय था? जी सर, मैंने उनसे कहा तुम लोगों ने रैगिंग की है, मैं शिकायत कर दूंगा। तो उन लोगों ने मुझे 10,000 रुपये देकर मेरा मुंह बंद कर दिया सर। 10,000 रुपयों के लिए तुमने नौकरी के साथ गद्दारी की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विजय जब उन लोगों के साथ आया था तो किस हालत में था? बातचीत कर रहा था? नहीं सर, सो रहा था। उन लोगों ने कहा कि सर आप कुछ ज्यादा हो गई है। जितने भी लोग थे जो विजय को लेकर आए थे उन सबके नाम चाहिए हमें, एक एक के नाम चाहिए, समझा? बस से जा रहे हो या ट्रेन से? वैसे एयरपोर्ट भी छोड़ सकते हैं हम लोग। मानना पड़ेगा सर, इनकी भोली सूरत देखकर एक मिनट के लिए हम भी धोखा खा गए थे। वाकई जिसे विक्टिम समझा वही मुजरिम निकला। क्यों मारा विजय को? सर हमने नहीं मारा विजय को। कुछ नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहे? सर उसे मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था और ना ही उससे कोई दुश्मनी थी हमारी। उसकी तो किस्मत खराब थी सर, जो उसे हमारा गहरा राज मालूम हो गया। और सर राज को जानने के बाद हम विजय को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। कैसा राज? वो हम आपको नहीं बता सकते। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। रहने दो जरा, मुझे मालूम है ये किस राज की बात कर रहा है। ड्रग्स हा? आपको कैसे पता सर? सीआईडी को आधे सवालों के जवाब बिना पूछे ही मिल जाते हैं। चलो आगे बताओ। सर हमें ड्रग्स करने की बहुत बुरी लत लगी हुई है सर। कल विजय ने हमें एक पास के सुनसान कमरे में ड्रग्स करते देख लिया। तो अपने आप को बचाने के लिए तुम लोगों ने विजय को ऊपर पहुंचा दिया। सर हमारे ड्रग डीलर ने कहा कि तुम विजय को जिंदा नहीं छोड़ सकते वरना तुम पकड़े जाएंगे। उसने कहा कि विजय को इस तरह से मारो जैसे उसने रैगिंग के चक्कर में सुसाइड कर लिया हो और किसी को पता ना चले कि सच्चाई क्या है। बेवकूफ है वो मुजरिम जो अपने आप को कानून से ज्यादा अकलमंद समझता है, क्योंकि जुर्म की सच्चाई को पानी के गहराई में दफन ही क्यों ना कर दो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी लाइफ बचा लीजिए सर प्लीज। ये तो तुम लोगों को जुर्म करने से पहले सोच लेना चाहिए था। अब ये बताओ तुम्हारा वो ट्रक डीलर कहाँ मिलेगा? अरे टेबल साफ कर, क्या खड़ा है तू वहाँ पे? जल्दी क्लीन कर उसको। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, जो जहाँ पर है वहीं खड़ा रहे। सर ये कौन सा तरीका पूछताछ करने का? पूछताछ का नहीं, ये रेड का तरीका है। रेड मेरे रेस्टोरेंट में? किस चीज की सर? पता चल जाएगा किस चीज की रेड है। रेडी जयंती, तलाशी लो। वंश चलो भाई साहब, ये गैस बंद करो, सारे गैस बंद करो। सर सर यहीं कुछ नहीं मिलेगा सर। चुपचाप खड़े रहो। सर सर उसमें चीनी है। हाँ चीनी है? हा? क्या ये चीनी है? किसको सिखा रहे हो? चीनी है खाओगे? चल समय क्या ये हा? क्या कहना है इसके बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में सर, उसने स्वेटर का हाथ है उसमें। सर मुझे क्यों फंसा रहे? ये जो कुछ भी होता है आपके इशारे पे होता है। अगर ये कौन सा तरीका माली से वफादारी नहीं मानेगा। रुक
कि जहर बेच के देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तू? हाँ, वफादारी का स्वाद मैं चखाऊंगा तुझे। हाँ सर, रेस्टोरेंट की आड़ में ड्रग्स मैं ही बेचा करता था बच्चों को। रेस्टोरेंट के बाहर जिस दिन दम बिरयानी का बोर्ड लगा होता था तो उसका मतलब था ड्रग्स की नई सप्लाई आ चुकी है और कोई भी आकर खरीद सकता है। इस देश के नौजवानों को तुम ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे थे। सर, ड्रग्स मार्केट में इसके लिए बिकते हैं क्योंकि लोग उन्हें खरीदते हैं। जिस दिन ये लोग ड्रग्स खरीदना बंद कर देंगे, मुझ जैसे लोग ड्रग्स बेचना भी बंद कर देंगे। चुप! मासूम भोले भाले बच्चों को ड्रग्स के जाल में कैसे फंसाते हो हमें सब पता है। ड्रग्स का पैसा जाता है आतंकवादियों को, हथियार खरीदते हैं, बॉम्ब खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल होता है हमारे देश में। तुम्हारा ये जो ड्रग्स का नेक्सस है, ये ड्रग्स का कैंसर हमारे इस देश से उखाड़ कर फेंक देंगे, याद रखना। और तुम बच्चों, कॉलेज किस लिए जाते हो? पढ़ाई करके एक अच्छे नागरिक बनो और इस देश की प्रगति में शामिल हो जाओ। पर ये क्या हुआ, तुम किताबों की संगत छोड़ ड्रग्स को पकड़ लिया तुम? हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, गुनाह किया तुम लोगों ने। एक तो ड्रग्स ली और फिर उससे भी बड़ा अपराध किया, खून किया तुम लोगों ने विजय का। सर, वो तो हमें इसने करने को कहा था। लेकिन मैं क्यों? मैं अगर तुम्हें कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कूद जाओगे? याद रख, तुम सब लोग दोषी हो। तुम लोगों ने कभी सोचा विजय को मारते वक्त, कभी उसके माता पिता के बारे में सोचा तुम? क्या गुजरेगी उन पर जब विजय इस दुनिया में नहीं रहेगा? कहाँ है हमारे बेटे के खूनी? सॉरी सर, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन। कोई बात नहीं, देखो अब इन दोनों को, ये है विजय के माता पिता, ये है विजय के हत्यारे। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? अरे मेरा बेटा भी तुम लोगों के जैसा ही था, तुम्हारी उम्र का, हंसता खेलता, वो भी तो तुम लोगों की तरह इस कॉलेज में पढ़ने आया था। क्यों छीनी उसकी जिंदगी तुम लोगों ने? हमें माफ कर दीजिए आंटी, वी आर रियली सो सॉरी। तुम्हारा सॉरी क्या हमारे बेटे को लौटा सकता है? उसकी अर्थी का जो बोझ मेरे कंधे पे है वो कम कर सकता है क्या? इन सब के वजह ये आदमी है, इसने किया ये सब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे बेटे के हत्यारे हो। सजा कानून देगा, प्लीज संभालिए अपने आप को। निखिल, ले जाओ इन सबको। थैंक यू सर, आपने अपना वादा पूरा किया, आखिर मेरे बेटे के कातिलों को आपने पकड़ ही लिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।